नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी फरवरी का महीना क्या कुछ खास संभावना मकर राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, किस क्षेत्र विशेष में मकर राशि वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है और किस क्षेत्र में आपको चुनौतियों का उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, ग्रहों के माध्यम से यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और मकर राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें मकर राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि के लिए कुछ विशेष उपाय। तो देखिए, मकर राशि शनिदेव से प्रभावित राशि मानी जाती है और वर्तमान समय में शनिदेव की ही साढ़े साथी का प्रभाव भी मकर राशि वाले जातकों के ऊपर चल रहा है। तो बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्षपूर्ण समय चल रहा है। कुछ समय के लिए मकर राशि वाले जातकों का मनोबल और उत्साह आ रहा है, कुछ समय के पश्चात वह डाउन हो रहा है। करियर को लेकर असमंजस और कई प्रकार की निराशा भरी स्थितियां बनी हुई हैं। बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों को शारीरिक समस्याएं भी बनी हुई हैं। तो कुछ आपको शनिदेव से जुड़ा हुआ भी विशेष उपाय बताएंगे। तो मकर राशि वाले जातकों, सबसे पहले ग्रह स्थितियों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए, लगन में ही यानी राशि के प्रथम भाव में ही शनि और बुध की युति फरवरी की शुरुआत में रहने वाली है। द्वितीय भाव में गुरु और सूर्यदेव गोचर करेंगे। आपके राशि के पंचम भाव में उच्च के राहु मौजूद रहने वाले हैं। 11th हाउस में केतु देव और राशि से द्वादश भाव में मंगल और शुक्र की युति रहने वाली है। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रह का राशि परिवर्तन जरूर होगा। माइनर ग्रह में सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र, ये प्लैनेट आते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की संभावना करियर के दृष्टिकोण से देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, करियर भाव के अधिपति आपके राशि के लिए बनते हैं शुक्र, जो कहीं ना कहीं राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। लगन में शनि की स्थितियां बनी हुई हैं और कर्म क्षेत्र पर गुरु बृहस्पति की पूर्ण रूपण दृष्टियां जा रही है, नवम दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है। करियर के मामले में मकर राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना सफलता की ओर बढ़ने के लिए सहायक रहने वाला है। व्यापारिक जीवन में पुराने समय से यदि उतार चढ़ाव भरी स्थितियां देखने के लिए मिल रही थी, वह दूर होती हुई नजर आएगी। परंतु लगन में शनि का प्रभाव बना हुआ रहने के कारण मकर राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की स्थितियां निर्मित हो सकती है, तो आपको कठोर परिश्रम और कार्यों में निरंतरता बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता फरवरी के महीने में रहने वाली है। मकर राशि वाले जातकों, यदि साझेदारी में किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं तो विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए, रिश्ते को आप बेहतर बनाकर चलें। मकर राशि के ऐसे जातक जो विदेशों में किसी प्रकार का कार्य करते हैं या अपने देश में रहकर विदेश से कार्य संचालित करते हैं, तो उनके लिए समय बेहतर रहेगा। मकर राशि के कुछ ऐसे जातक जो करियर की दिशा में पूर्व के समय से ही किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए उत्सुक थे, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। फरवरी के महीने में अगर धन को लेकर जानकारी दिया जाए, धन भाव पर सूर्य गुरु की युति बनी हुई है, वहीं
राशि के 11th हाउस से लाभ का विचार किया जाता है। यहां पर केतु देव गोचर में रहने वाले हैं, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए धन के दृष्टिकोण से स्थितियां बेहतर बनी हुई हैं। केतु देव राशि के आय भाव पर बैठे हुए हैं, आमदनी में वृद्धि की संभावना बन रही है। दिखावे में धन का व्यर्थ करने में, बर्बादी करने में आपको बचना चाहिए। और राशि के द्वादश भाव में कुछ ग्रहों के प्रभाव के फलस्वरूप व्यर्थ का खर्च भी आपके जीवन में बढ़ेगा। भवन, वाहन और भूमि के लिए आप धन व्यय कर सकते हैं। मकर राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही आर्थिक तंगी के वातावरण से गुजर रहे थे, उनके लिए फरवरी का महीना श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। इस महीने अगर परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन का विचार किया जाता है। तो देखिए, परिवार के वातावरण में ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, परंतु फरवरी के महीने में चूंकि परिवार भाव के अधिपति राशि से द्वादश में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर या माता को शारीरिक और मानसिक तनाव देखने के लिए मिल सकता है। गुरु बृहस्पति का राशि के द्वितीय भाव में मौजूद होना कहीं ना कहीं इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में स्थितियों को सुधारता हुआ नजर आएगा। ज्यादा किसी प्रकार की चिंता मकर राशि वाले जातकों को करने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। यदि समयावधि में शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में फरवरी के महीने में मकर राशि वाले जातकों के अंदर उत्साह की वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। और यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर आप उत्सुक हैं और पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से मेहनत के साथ आप परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं, तो सफलता की भी पूर्ण संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उच्च के राहु राशि के शिक्षा भाव पर मौजूद होकर आपके जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, रचनात्मक विचारधारा और कई प्रकार की चीजों को सीखने के लिए उत्साह दे रहे हैं और इसमें आपको सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि मकर राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है और राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। देखिए, प्रेम संबंध के मामले में फरवरी का महीना ठीक नहीं रहने वाला है। प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के अंदर वैचारिक मतभेद निर्मित होने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलेगी। इस पर आपको समन्वय बनाकर पूर्ण रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि मकर राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों दाम्पत्य जीवन में इस समयावधि में स्थितियां बेहतर बनी हुई रहने वाली है, परंतु जहां तक हो सके जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ आप चलने पर विश्वास जरूर रखें। दाम्पत्य जीवन में अपने अंदर जीवन साथी के प्रति दूसरा रवैया रखना या कड़वा व्यवहार रखना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। शनि की पूर्ण रूपेण सप्तम दृष्टि वैवाहिक भाव पर जा रही है, कहीं ना कहीं बातों और भावनाओं को व्यक्त करते समय आपको शांति का परिचय जरूर देना चाहिए। यदि सेहत के मामले में मकर राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। सेहत के मामले में मकर राशि वाले जातकों को इस महीने किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। मकर राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए यदि पूर्व के समय से आपको पेट से जुड़ी, नेत्र से जुड़ी समस्या बनी हुई थी, हड्डियों से जुड़ी हुई, दांत से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर रही थी, फरवरी का महीना श्रेष्ठ आपके लिए रहने वाला है। वाहन चला रहे हैं, यदि आप कार ड्राइव करते हैं तो विशेष सावधानी जरूर बरतें। मकर राशि वाले जातकों के लिए यदि धार्मिक उपाय बताया जाए, उससे पहले फरवरी के महीने को खास, शानदार और बेहतर बनाए रखने के लिए मकर राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानी जरूर रखना चाहिए।
तो मकर राशि वाले जातकों को इस महीने क्या सावधानी रखनी ही चाहिए, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, तो ग्रहों को मानक मानकर ही यह सलाह आपको दी जा रही है। सबसे पहले अपने दिमाग में यह ख्याल रखना चाहिए कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वह आप कर सकते हैं, और आप वो सभी चीजों को कर सकते हैं जिसको आपने अभी तक नहीं सोचा। तो आत्मविश्वास के साथ यदि इस महीने कार्यों में संलग्न रहते हैं तो बेहतर सफलता आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। कार्यों में निरंतरता बनाकर जरूर रखें, अपने अंदर से अज्ञात भय को दूर जरूर करें। मकर राशि वाले जातकों के अंदर अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ झिझक सी होती है, आत्म रूप से अज्ञात भय भरी स्थितियां बनी रहती है। इस पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए, पूर्ण रूपेण एकाग्रता के साथ रूपरेखा बनाकर जीवन में आगे बढ़ें। और जैसा कि हमने पूर्व में ही आपको बताया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इसलिए आप प्रयास कभी जीवन में ना छोड़ें। दूसरा, मकर राशि वाले जातक इस समयावधि में अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचें। प्रकृति के साथ जुड़ें, अच्छे कर्म करें, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, और गलत कार्य जैसे शराब, धूम्रपान, मांसाहार, बुरी आदतों से आपको दूर जरूर रहना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की बातों में अपने समय को बिताने से भी मकर राशि वाले जातकों को जरूर बचना है। यदि आपको धार्मिक उपाय बताया जाए तो भगवान शिव और मां पार्वती की यदि आप आराधना करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके जीवन से दूर ना हो। शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, समय समय पर आपको काली चीजों का दान शनिवार के दिन करना चाहिए। काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला छाता, काला पुष्प, कस्तूरी या सरसों के तेल का दान जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करें। लेबर वर्ग के साथ किसी प्रकार का अन्याय न करें। और मकर राशि वाले जातकों, पीपल के पौधे के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे मकर राशि वाले जातकों को सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र की एक माला प्रत्येक शनिवार को जप जरूर करना चाहिए। शनि की साढ़े साती से आपको लाभ जरूर मिलेगा। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।